क्या प्राइस है हेयर कट करने का? 15 रुपए। अच्छा, ये भाई क्या नाम है तुम्हारा? भाई जुल्फिकर भाई, इंडिया से। हेलो गाइस, सो आज मैंने हेयर कट करवाया है और इसी पे मैंने एक ब्लॉग बनाया है। तो क्योंकि आज मैं थोड़ा वो शॉप ढूंढ रहा था जो मतलब थोड़ा सस्ता हो, तो एक्चुअली मैंने जो एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ देखा है 40-50 रियाल हेयर कटिंग का ले रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने एक ब्लॉग बनाया है, मैंने एक शॉप ढूंढा है जो 15 रियाल में हमारा हेयर कट का। तो मैंने उस शॉप का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है लोकेशन का, तो वो लोकेशन के थ्रू आप लोग जाके और हेयर कट करवा सकते हो 15 रियाल में। और सो बिना देरी किए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू इदरीसी ब्लॉग 11। और जो आज मेरा ब्लॉग होने वाला है हेयर कट पे, और आज मैंने बहुत स्ट्रगल किया है एक सैलून को ढूंढने में इस एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो नियर बाय मैंने देखा वो सारे एक्सपेंसिव है, 50 रियाल 60 रियाल। तो मैंने एक जगह ढूंढा है जो हमारे बस में है, जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ तुमको लेके जाऊँगा और इस वीडियो में दिखाऊँगा कि जिसको नहीं पता है तो वो वहाँ के आके और अपने हेयर कट करवा सकता है सस्ते में, ज़्यादा महंगा भी नहीं। तो चलते हैं, लेके चलता हूँ आपको हेयर कट के लिए। सो गाइस, हम जा रहे हैं अभी हेयर कट करने के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरफ है, और मैं इस एरिया का नाम और कौन से लोकेशन है सारा दिखाऊंगा, ठीक है। मेरा हेयर कट करने का पर्पज़ ये था कि कल मेरा ट्रेनिंग है, तो मैं ये लुक लेकर तो नहीं जा सकता, और ऑब्वियसली मैं फूड इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो वो भी मुझसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे कि बंदा ग्रूमिंग अच्छा हो, लुक अच्छा हो, और ताकि अगर वो मुझे कुछ बोलने के लिए अगर बोलते हैं कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, कैसे करते हो, तो थोड़ा लुक अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। तो इस गली में जाना है, तो और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और भी शॉप्स है इसके आजू बाजू में, और बहुत ही नज़दीक है ये एरिया का, मैं डिटेल बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखो, अगर जो इस एरिया में रहता है, यहाँ पे देखो सी फूड रेस्टोरेंट है, सी फूड रेस्टोरेंट है, और ये बार शॉप है यहाँ पे, ये बार शॉप है। तो फिर चलते हैं अंदर, पूछते हैं क्या प्राइस है और कितने का है। और एक और चीज़, ये नियर बाय में मस्जिद है, मस्जिद के अपोजिट में है ये, तो बंदे से पूछेंगे हम लोग कैसा है, क्या प्राइस है उसका। तो गाइस, ये बार शॉप है मैंने फाइनली जो यहाँ पे ढूंढ लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोटेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि हेयर वगैरह उसके मुंह में वगैरह ना जाए। और यहाँ पे मैं हेयर कट कराने वाला हूँ, अभी गर्मी ज़्यादा है बाहर, इसके लिए मेरी हालत ये हो गई है। वो पूछते हैं क्या प्राइस है भाई, क्या प्राइस है हेयर कट करने का? 15 रुपये। अच्छा, 15 रियाल, तो आप लोग देख रहे हो 15 रियाल कहीं नहीं मिलेगा, मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया, 40, 30, 50 यही प्राइस है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी वीडियो मेरा देख रहा है, यहाँ पे आओ, इतना चीप और सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। ये कौन सा एरिया है? वो खोबर, खोबर, ये जहाँ पे आपका शॉप है ये कौन सा एरिया है? ओ तलाल स्ट्रीट। कौन सा? तलाल स्ट्रीट। ये तलाल स्ट्रीट है, तलाल स्ट्रीट पे शॉप है, 6 नंबर क्रॉस पे, तलाल स्ट्रीट 6 नंबर क्रॉस। और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे मार्केट्स है और भी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हेयर कट करने के बाद, देखते हैं कैसा हेयर कट होता है हमारा। इस वक्त मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कि मेरा हेयर कटिंग प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसे काट रहे हैं। तो मैंने बार से ही हेल्प लिया और इतना सा वीडियो बना पाया। हे गाइस, तो मैंने बाल कट करवा लिया है, और मैं आप लोग को एक बंदे से और मिलाऊंगा, अपना इंडियन है, और यहाँ पे आके मुझे मालूम पड़ा कि भाई इंडियन बंदा है यहाँ पे। एक्चुअली वो भाई भी, ये भाई क्या नाम है तुम्हारा? जुल्फिकर भाई, जुल्फिकर भाई, इंडिया से, इलाहाबाद से। वो भाई भी अपना मतलब केरला वाले, इंडियन केरला। ये शॉप एक्चुअली उनकी आपकी शॉप है? वो भाई की शॉप है। तो बाल तो मैंने देखो सिर्फ 15 रियाल में इतने अच्छे बाल कहीं नहीं मिलेंगे, तो फिर
तो फिर मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी बताओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और विज़िट करो ये शॉप में। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा लोकेशन इधर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।